hello friends good morning this is mahisha from surat welcome to my youtube channel this video is for standard 10 subject social science chapter number 14 transportation communication and trade part 2 so friends in the last video we talk about road transport in that we discuss uh, traffic problems and some of the solution to remove the traffic problem now here in this video we are going to talk about railways and airways and different other kind of means of transport with that we discuss communication means and the thread so before i start video i would like to tell you that uh, like the channel subscribe the channel like the video and press the bell icon so today's topic is railway. so we all know that railway is the lifeline of our country. now what is the thing about railway that we first understood? so railways were first introduced to india in 1853 from bombay to thane. in 1951, the system were nationalized as one unit. the indian railway is becoming one of the largest network in the world and today indian railway is the world's seventh largest. कॉमर्शियल और यूटिलिटरी एम्प्लॉयर बाय नंबर्स नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ विथ ओवर 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ तो इंडिया में जो रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी 1853 में डेलहाउजी गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे हुई थी 1951 में इसे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी यूनिटी यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया और आज की डेट में जो इंडियन रेलवेज़ है वो सेवंथ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में और मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ इंडियन रेलवे में वर्क करते हैं तो इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन इंडियन रेलवेज़ इज़ द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कोऑपरेट इन द इकोनॉमिक फील्ड ऑफ इंडिया सच एज़ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ट्रेड सर्विस एक्सेट्रा इट हैज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल सिक्योरिटी पीस मैनेजमेंट टू एस्टेब्लिश कल्चरल एंड जियोग्राफिकल यूनिटी एंड टू मेंटेन इट इंडिया रैंक फर्स्ट इन एशिया एंड सेकेंड इन वर्ल्ड इन रेलवे रेलवे तो अलग अलग टाइप की अब तो आज की डेट में तो रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन होने लगा है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है अदानी है रिलायंस है ये सब अपने अपने रेलवे स्टार्ट करने वाले हैं दिज़ आर कॉल्ड रिफॉर्म्स इन दिस्टम बाकि अब तक जो रेलवे था वो गवर्नमेंट यूनिट था तो so, बुलेट ट्रेन्स का भी कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में चालू है तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट पैसेंजर ट्रेन्स सो सम ऑफ द प्रीमियम पैसेंजर सर्विसेज ऑफर थ्रू मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन्स अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी ट्रेन्स आर रन डेली वैराइटी ऑफ सर्विसेज ए सी फर्स्ट क्लास ए सी स्लीपर फर्स्ट क्लास ए सी थ्री टायर ए सी चेयरकार स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी चेयर कार जर्नी थ्रू रिजर्वेशन ओनली तो ये अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती है अब जो हमारे ट्रैक की बात करें तो टोटल ट्रैक किलोमीटर वन लेख नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी वन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक किलोमीटर्स थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट

डीजल और मोटिव इंजेंस भी देख लेते हैं नंबर ऑफ डीज़ल लोकोमोटिवस फोर फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी नाइन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सो दिज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन दिज आर नॉट मैंसन इन योर टेक्सट बुक नाउ सी दिज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंस एंड ट्रैक्स दिस इज द इंडियन रेलवे नेटवर्क दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप फॉर द एग्जामिनेशन

यू पी ए टू जो टाइप का ट्रैक होता है वो है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर एंड एवरेज ऑफ लास्ट थ्री इयर्स एम एन डी ए गवर्नमेंट में टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी सेवन किलोमीटर्स तो इस तरह से डेवलपमेंट अभी भी चालू है यहाँ पे दो अलग अलग इयर्स के रिकॉर्ड है एंबिशियस टारगेट्स फॉर टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन एंड अचीवमेंट्स टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन इसके अलावा लॉन्गेस्ट रूट का भी हमारे पास डिटेल है सी दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ इंडिया विवेक एक्सप्रेस कवर फोर किलोमीटर जर्नी टाइम इज़ 82.30 आवर्स डिब्रूगढ़ आसाम से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तो ये वर्ल्ड का एट एट लॉन्गेस्ट रूट है सबसे पहले मॉस्को मौस, है सेकंड भी मॉस्को है नाउ नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी नाइन किलोमीटर जिसकी जर्नी का टाइम वन हंड्रेड सेवेंटी एट आवर्स होता है सो दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच विल बी इंपोर्टेंट फॉर सम काइंड ऑफ एडिशनल एग्जामिनेशन सो सोसें प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड इन एटीन फिफ्टी थ्री बिटवीन मुंबई एंड थाने there are three ty types of railways railway in india there are broad gauge meter gauge and narrow gauge the meter gauge and narrow gauge railway tracks are being converted into broad gauge in recent times this is a big achievement for indian railways due to different gauges lot of time was wasted in traveling and transporting passenger goods so much money was wasted तो जितने ब्रॉड गेज होगे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी मीटर गेज में मिडल और नैरो गेज में सबसे कम रेलवे नेटवर्क इज मोर डेज इन द स्टेट्स विच हैव प्लेन रीजन डेंस पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड हैव रिच मिनरल फील्ड्स लार्ज सिटीज लाइक कोलकाता दिल्ली जयपुर हैव मेट्रो रेल्स ऑल्सो work has started on the metro rail project between ahmedabad and gandhinagar monorail has been found very important to connect mumbai with its suburbs railways is useful for the transfer of passenger and material goods besides it is also useful for the speedy transfer of good, uh, food grains and for uh, forex during drought फ्राम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफ़रिंग सोल्जर्स एंड वेपन्स तो रेलवे काफ़ी यूज़फुल है कि जैसे ड्रॉड का टाइम आया तो फूड और फॉरेज भेजना हो कहीं पर जल्दी से डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो वेपन्स और सोल्जर्स को ट्रांसफ़र करना हो तो so, ये सब में रेलवे काफ़ी हेल्पफुल रहता है कोंकन रेलवे हैज़ प्रोवाइडेड अ गुड एग्जाम्पल बाई लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक थ्रू टनल्स इन द माउंटेनियस रिजन विच वेयर विच वेयर हाईली इनएक्सिबल तो अगर आप मुंबई से गोवा ट्रैवलिंग करेंगे तो कम से कम ट्वेंटी टू टनल्स बीच में आती है और ये काफ़ी यूज़फुल भी है कि ऐसे माउंटेनियस रिजन में ड्रिल करके रेलवे लाइन डेवलप करना काफ़ी एक्सपेंसिव भी है पर टाइम कितना बच जाता है Indian Railways is considered to be excellent for time, safety, and facilities, and it is being uh, modernized very fast. The route between the Bruger and Kanyakumari is the longest railway route in India. जो ये आपको अभी map में दिखाई दे रहा है जो Vivek Express करके train है वो यहाँ पर चलती है अब हम बात करते हैं विच इज़ नोन एज़ विवेक एक्सप्रेस इन गुजरात अहमदाबाद इज़ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन अदर इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शंस आर महसाना विरमगाम राजकोट वड़ोदरा सूरत आनंद एक्सेट्रा तो ये इंपॉर्टेंट जंक्शन है गुजरात की नेक्स्ट है वाटरवेज तो हमारे यहाँ काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन भी है तो वाटरवेज भी काफ़ी डेवलप्ड है वाटर ट्रांसपोर्टेशन वॉज कैरिड आउट इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम All transactions were done through waterways when roads and railways did not exist. Compared to roads and railways, the waterways are cheaper because no expense is included in their construction or maintenance. There are two types of waterways in India: internal waterways and oceanic waterways. Internal, i.e., which is used in the country, ke andar hota hai, or oceanic, which is used for international trade. Ke liye use hota hai. इंटरनल वाटर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आर डेवलप्ड मोर इन आसाम वेस्ट बंगाल एंड बिहार स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसका रीज़न है कि वहाँ पे जो रिवर्स है वो पैरानियल पेरे, रिवर है यानी पूरा साल पानी से भरी हुई है इसलिए वहाँ पे इंटरनल वाटरवेज अच्छे से डेवलप्ड है गवर्नमेंट हैज़ रेकोगनाइज द फॉलोइंग वाटरवेज इज़ नेशनल वाटरवेज़ तो कौन से कौन से नेशनल वाटरवेज़ है नेशनल वाटरवेज़ वन गंगा रिवर हल्दियाबाद सिक्सटीन हंड्रेड uh, से ट्वेंटी किलोमीटर्स तो ये है जहाँ अलाहाबाद से ये हल्दिया ये कौन से कौन से स्टेट को कवर करता है वो भी यहाँ पे है गंगा पे है नेशनल वाटरवे वे वन सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर्स स्टेट सर्व यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल सेकंड है नेशनल वाटर वे टू ब्रह्मपुत्रा रिवर तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला ये एट हंड्रेड नाइन्टी वन किलोमीटर इसमें कौन से स्टेट कवर होते हैं तो आसाम वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश मेघालय फिर है नेशनल वाटरवेज थ्री वाटर वे थ्री वेस्ट कोस्ट कैनल तो वो भी हम देख लेते हैं ये यहाँ पे ये कोलम कोटापुरम टू हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर केरला को सर्व करता है नेशनल वाटर वे फॉर गोदावरी कृष्णा रिवर ये हैं काकीनाडा पुंडुचेरी के बीच में वन थाउजेंड सेवेंटी एट किलोमीटर तमिलनाडु और पाण्डिचेरी को वो यूज़फुल है और नेशनल वाटरवेज़ फाइव ब्रह्मणी रिवर तो वो है यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस कवर करता है फाइव हंड्रेड एट किलोमीटर इसमें ओडिशा और वेस्ट बंगाल है और वाटर वे नंबर नेशनल वाटर वे सिक्स यहाँ पे है ये एक्स्ट्रा आपको दिखा दे रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है आ, लखीपुर टू बंगा इन प्रो प्रोसेस हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन किलोमीटर जो आसाम मिज़ोरम मणिपुर और त्रिपुरा को अटैच करेगा तो ये है हमारे नेशनल वाटरवेज़ अब ओशियनिक वाटरवेज़ की अगर हम बात करें आ, रिवर कैनल की बात करें अगर हम तो वेस्ट बंगाल आसाम तमिलनाडु एंड बिहार आर इम्पोर्टेंट स्टेट जो मैंने अभी आपको बोला और ये जो सब वाटरवेज मैंने अभी आपको दिखाए वो है। अब अगर हम बात करें ओसेनिक वाटरवेज तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ज़रा ओशनिक वाटरवेज जो कोस्टल रीजन में है तो इंडिया हैज़ अबाउट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन अलॉन्ग दिस कोस्ट लाइन देर आर थर्टीन मेजर एंड अबाउट टू हंड्रेड माइनर पोर्ट्स वो पोर्ट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ चलिए वो पोर्ट्स वाला एक मैप अभी नहीं है फिर भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज़ फाउंडेड देर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल वाटरवेज कंडला मुंबई यहाँ पे है आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडला मुंबई नौसेवा मारगाव न्यू मंगलोर एंड कोचि पोर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट तो यहाँ पर ये यह आपको सब दिखाई दे रहे हैं मेन मेन जो है कोची है मुंबई है और ये वेस्ट कोस्ट पे है और, और कोलकाता हल्दिया और पाराद्वीप विशाखापट्टनम चेन्नई टूती कोरिन एक्सेट्रा आर मेन पोर्ट्स इन ईस्टर्न कोस्ट तो ये विशाखापट्टनम एक यहाँ पे दिखाई दे ये ये लाइन में जो ये कोस्ट के ऊपर जो होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट और ये वाले वेस्टर्न गुजरात हैज़ गोट अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर उसमें गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर की है कंडला इज़ द लार्जेस्ट पॉट ऑफ गुजरात गुजरात का जो लार्जेस्ट पॉट है वो कंडल कंडला है भावनगर इज द ओनली पॉट हैविंग ऑटोमेटिक लॉग गेट सिस्टम पोरबंदर इज द फ्री पॉट फॉर द एंटायर ईयर अदर इम्पोर्टेंट पॉट्स आर वेरावल सिक्का पिपलाव नौ लखी मुंद्रा पोसित्रा ओखा एंड हजीरा अ प्रोजेक्ट इज़ अंडरटेकन टू डेवलप पोसी पोसित्रा पोर्ट तो गुजरात में भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट हैं जो काफ़ी बड़े हैं और यह हमारा देखिए किस तरह से हम दूसरी कंट्री से कनेक्टेड होते हैं वाया सी रूट तो यहाँ पे डिटेल से ही ट्वेल्व मेजर एंड हंड्रेड एंड एटी फाइव माइनर पोर्ट्स नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड सेवेंटी परसेंट बाई वैल्यू मूसरू ओसन रूट तो ये हमारे ओशन रूट हैं जो सोमालिया इजिप्ट यूरोप तक जाते हैं जावा चाइना ये सब जगह पे हम वाया वाटरवेज़ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इसके बाद एक है एयरवेज़ तो ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं अमृतसर दिल्ली अहमदाबाद मुंबई हैदराबाद गोवा बेंगलोर चेन्नई कोची तिरुवनंतपुरम कोलकाता गुवाहाटी it is the, it is the spe uh, speediest and costliest mode among all type of transportation. airways are used to reach distant places, remote and dense forests, and to reach those places which are not accessible easily by road. in india, the weather remains favorable for aviation almost throughout the year. in present day, airways are used more and more. तो ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे कॉस्टलीस्ट है पर इसके थ्रू आप कोई भी जा जहाँ पर रोड नहीं है या तो रेलवेज uh, नहीं है वहाँ पे आप इजीली uh, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं द एयरवेज सर्विसज़ इन इन इंडिया वेर एज एयर मेल सर्विसेज बिटवीन अलाहाबाद एंड नाइनी इट वॉज़ रन बाई अ प्राइवेट कंपनी टुडे एयर इंडिया एंड अदर प्राइवेट कंपनीज़ प्रोवाइड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तो बहुत सारी कंपनीज़ है ये देखिए स्पाइस जेट इंडिगो एयर एशिया ये सब प्राइवेट एविएशन की कंपनीज़ है टुडे एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया कैरीज़ आउट द मैनेजमेंट ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन एयरपोर्ट विच इंक्लूड फिफ्टीन इंटरनेशनल एट्टी सेवन डोमेस्टिक ट्वेंटी फाइव सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स देहरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्चेस कोलकाता मुंबई चेन्नई न्यू दिल्ली बेंगलुरु हैदराबाद अहमदाबाद एक्सेट्रा पवन हंस हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ओ एन जी सी एंड टू गवर्नमेंट तो इसके साथ में हेलीकॉप्टर सर्विस भी है यहाँ पर आपने देखा है ग्रीन कलर का जो है वो सिविल एनक्लेव के लिए है ये गोवा और वो सब है फिर ये ब्राउन कलर जो है इंटरनेशनल है तो ये है हमारा एयरवेज इसके अलावा विच आर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो पाइपलाइन है पाइपलाइन आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड मटेरियल सच एज अ वाटर मिनरल ऑयल नेचुरल गैस एंड अदर लिक्विड्स एंड ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्ट बिटवीन नाहार कातिया ऑफ आसाम टू नूनमटी बरूनी तो यहाँ पे ये सब पाइपलाइन के बारे में मैप है ये सब पाइपलाइन है जहाँ पे हम मिनरल ऑयल सब ट्रांसफ़र करते हैं वन पाइपलाइन गोज फ्रॉम कलोल टू कोयली इन गुजरात एंड फ्रॉम सालिया टू मथुरा तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें सब पाइपलाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम में शायद आ सकता है चांसेस बहुत कम है वन परसेंट में आ सकता है

जायगढ़ एल एन जी टर्मिनल डबोई एल एन जी टर्मिनल मुद्रा एल एन जी टर्मिनल तो अब तो ये कुकिंग गैस महाराष्ट्र में अहमदाबाद में सब जगह पे है क्योंकि ये सब साइट्स हमारी चालू हो चुकी हैं तो पाइपलाइन भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाया जाता है फिर नेक्स्ट है रोपवे तो ये रोपवे है Uh, in mountainous region, the Sumits are connected by ropeway to transport goods and passengers. There are about 100 ropeways in India. Ropeways are seen in Darjeeling, Kulu, Manali, Cherrapunji, Haridwar, etc. In North India and in the mountainous region of Chennai and Malay, the ropeway service, services in Gujarat are available at Pavagar, Saputara, Ambaji. Work for a ropeway. है स्टार्टेड इन गिरनार इन जूनागढ़ तो खास करके नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में ये रुपए ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है इस तरह का रोप होता है तो ये रोप सर्विस है अब इसके बाद हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन तो व्हाट इज कम्युनिकेशन तो यहाँ पे है ये स्लाइड द वर्ल्ड कम्युनिकेशन हैज़ फ्रॉम अ लेटिन वर्ड कॉम्युनिटीज विच मीन्स समथिंग कॉमन Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, and emotions through speech, signals, writing or behavior. In communication process, a sender encodes a message and then using, using a medium and send it to appropriate feedback using a medium that is called communication. Textbook make. So the arrangement to send or to collect information from one place to another is called communication. द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ प्रोवाइडेड एक्सट्रीमली यूजफुल इन रूटीन लाइफ फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल हेजार्ड लाइक फ्लड ड्रॉड साइक्लोन सुना तो जब भी कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग काफ़ी सारी हेल्प कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस एंड फॉर मेनटेनिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का वैसे ही कम्युनिकेशन है जितना कम्युनिकेशन स्पीडी होगा उतना डेवलपमेंट भी स्पीडी होगा इन एंशियन टाइम्स मैसेजेस मैसेज सेंट बाय प्लेइंग द ढोल बाय स्मोक बाय पिजन्स एंड थ्रू अदर एनिमल्स तो पहले के ज़माने में जब मोबाइल कंप्यूटर टीवी सैटेलाइट नहीं थे तो ये सब तरीके थे कि ढोल बजाते थे स्मोक स्प्रेड करते थे पिजन्स को भेजते थे कोई अलग एनिमल को भेजते थे In modern communication, mail service, telephone, mobile telephone, smartphone, and satellite have made the communication very speedy and easy. And that is why, due to this development of the communication in this corona period, you are learning your syllabus at your home. You are using mobile. We also prepare our videos and all the things on mobile. So, this is the benefit, benefit effect of the communi communication. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव कंट्रीब्यूटेड वेरी मच इन डेवलपिंग द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे वी कैन सी ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स लाइव कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन सिस्टम तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में लैपटॉप है मोबाइल फोन है ये सब आता है इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स आर द इफेक्टिव अमोंग इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम ई मेल ई कॉमर्स एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्सेट्रा है वेरी फास्टर ड्यू टू इंटरनेट आज के डेट में हमें बैंक में या लाइट बिल या गैस बिल कुछ भी भरने जाने की ज़रूरत नहीं है ऑल द वर्क डन फ्रॉम द मोबाइल वाई अ इंटरनेट मोर ओवर देर हैज़ बीन अ रेवल्यूशन इन टेलीकोम्युनिकेशन थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस ऑन सोशल मीडिया विलेजेस ऑल्सो रिमेन इन लाइव कॉन्टेक्ट विद पीपल लोकल एंड इन अब्रोड तो आज के डेट में फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा कितनी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी से भी कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं सो दीज आर द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम नाउ मास कम्युनिकेशन सिस्टम तो ये है मास कम्युनिकेशन सिस्टम मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच अ पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स अ लार्ज मैसेज एंड ट्रांसमिट इट थ्रू सम टाइप ऑफ मीडियम अ लार्ज एनोनिम्स ऑडियंस तो जैसे अभी लाइव लेक्चर होते हैं जूम पे या तो गूगल गूगल मीट के ऊपर सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मास कम्युनिकेशन कि एक टीचर घर पे बैठे बैठे सौ डेढ़ सौ बच्चों को पढ़ा रहे this is the example of mass communication. There are two medium in mass communication system. One print media, which includes newspaper, magazines, and pamphlets, and second, electronic media, which includes Akaswani and Dudasan. Uh, Prasar Bhati is the autonomous body of transmission in the country. Its two divisions are Akaswani and Dudasan. There are four hundred and fifteen radio stations in the country today. It broadcasts programs in twenty-three languages. Q twenty-three languages twenty-three languages recognized by our constitution. It can be used conveniently in the most remote area also. It becomes an important unit for contact at the time of natural disaster. With use of satellite, doordarshan News. वेदर रिपोर्ट एंड प्रोग्राम्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन आर ऑल्सो टेलीकास्ट टूडे मैनी प्राइवेट चैनल्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड प्रोग्राम्स लाइक दूरदर्शन तो मास कम्युनिकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी एडवांस हो चुका है अब एक और है सेटेलाइट कॉम्युनिकेशन तो सैटेलाइट किस तरह से वर्क करता है वो यहाँ पर मैंने ये स्लाइट के थ्रू आपको दिखा है कि सेटेलाइट से सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे भी आप देखिए कि ये मॉडेम होता है वहाँ पे रिसीव होता है फिर सिग्नल सैटेलाइट को सेंड किया जाता है देखिए इंटरनेट की वजह से आज की डेट में सब कुछ इजी हो गया है सैटेलाइट्स हैव देयर ओन कम्युनिकेशन स्किल बट अलोंग विद दैट इट आल्सो कंट्रोल्स अदर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन

कुछ इस तरह का दिखता है सोलर पैनल लगी हुई है और आप भी ऐसे घर पे डेमो सैटेलाइट के बनाना सीख सकते हो एंड यू कैन डेवलप योर स्किल फॉर दैट यू कैन विजिट टू यूट्यूब एंड बाय वाचिंग दैट वीडियो यू लर्न समथिंग न्यू अब्दुल कलाम जी जो थे वो इसी तरह से सब कुछ सीखे थे जो मिसाइल उन्होंने बनाया देखिए ये जो पी का नाम दिया गया है यहाँ पर वो रॉकेट इस तरह का दिखता है ये है तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं मैं इसको स्क्रीन को सीधा करके दिखा सकता हूँ यस yes. ये देखिए तो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ रॉकेट्स एट योर होम एंड यू लर्न द टेक्नोलॉजी साइंस में हमें इंटरेस्ट लेना ही होगा इफ़ वी वांट टू मेक इंडिया द सुपर पावर नेशन सो दिस इज़ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन आज तो बहुत सारे सेटेलाइट हैं सबसे पहले जो हमने सेटेलाइट नाइनटीन सेवेंटी थ्री के आजू बाजू हमने लॉन्च किया था आर्य भट्ट फर्स्ट सेटेलाइट ऑफ इंडिया उसके बाद तो बहुत सारे आज तो एजुकेशनल सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेटेलाइट अलग अलग जो नीड्स होती है उसके हिसाब से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं अब ये सब का सीधा इफेक्ट होता है ट्रेड के ऊपर तो ट्रेड तो ट्रेड क्या है तो मीनिंग ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड फॉर एग्जांपल इंडिया ट्रेड विद यूएसए जापान फ्रांस पाकिस्तान एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड फॉरेन ट्रेड में भी बिलेटरल बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज़ कॉल्ड एज बाइलेटरल ट्रेड ट्रेड अमोंग मैनी कंट्रीज इज़ कॉल्ड मल्टी लेटरल ट्रेड तो ट्रेड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक तो इंटरनल ट्रेड जो कंट्री के अंदर होता है और सेकंड जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड जो अदर कंट्रीज़ के साथ होता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एट सम प्लेसेस देर आर माउंटेनियस रीजन्स कोस्टल प्लेन्स एंड डेजर्ट सेम टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन क्लाइमेट वेजिटेशन मिनरल रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्सिस देर आर डिफरेंट क्रॉप्स इन एवरी रीजन एंड ऑल्सो द डिफरेंट Difference in industrial output. As a result, there are two types of trade system in the country: internal trade and international trade. So India ki trade pattern up degliji. According to the Department of Commerce, the 15 largest trading partners of India represent 62.1% of Indian import and 58.1% of Indian export as of December 2010. India's total uh, merchandise trade has increased over three fold from uh, $252 billion in 2006 to $794 billion in 2012. Both export and import have uh, trebled during this period. Today, India's scenario is that piece by piece we are establishing a lasting partnership that's uh, equipped to tackle today's global challenges. India and other country must also keep working together on major global challenges such as addressing the drivers of climate change that have critical implication for every nation. तो आज India world में एक सबसे बड़ा market है। देखिए हमारा import कितना है 235 hundred thirty five billion का और export कितना है one hundred forty two billion का। अब ये digit हमें change करना हमारा export इतना होना चाहिए और import कम हो जाना चाहिए तब जाके इंडिया पावरफुल नेशन बन सकेगा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है कि यहाँ पे फिफ्टी परसेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जी एस टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ जी एस टी बेज अमोंग स्टेट्स क्लोजली लिंक टू सीज ऑफ देयर इकोनॉमीज स्ट्रॉन्ग कोरेशन बिटवीन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड स्टेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग India's लार्जेस्ट फ्रीम अकाउंट फॉर अ मच स्मॉलर share ऑफ एक्सपोर्ट than इन अदर comparable कंट्रीज India's फॉर्मल सेक्टर इज सब्सटेंशियली ग्रेटर than करंटली believed. तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहा है कि सब लोग ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं सब लोग ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड द कॉमोडिटी अवेलेबल इन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वन स्टेट इज़ ट्रांसफोर्ट टू अनदर स्टेट एंड वाइज वर्स

The system in which different countries of the world export and import their requirements can be called international trade. It is necessary to maintain trade balance in international trade, otherwise, there would be a negative trade balance. If a country exports more than in imports, its trade balance is positive. This increases the reserves of foreign exchange of our country. If the import trade uh, exceeds the एक्सपोर्ट देन द ट्रेड बैलेंस इज़ नेगेटिव तो जैसे मैंने वो स्लाइड में आपको बताया कि अगर इम्पोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज कम होगा तो अगर हमें इंडिया को पावरफुल बनाना है तो हमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करना होगा इफ़ द द करेंसी वैल्यू ऑफ़ द कंट्री विच इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट इंक्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट एंड द करेंसी वैल्यू डिक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ दोज कंट्रीज़ विच इंक्रीज़ दर इंपोर्ट्स तो आपकी करेंसी की वैल्यू अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी और अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है तो कम होगी आफ्टर द Liberalization policy of 1991. There have been many changes in the international trade of India. In last few years, the trade balance of India is mostly negative. In order to make this trade balance positive, the government has started making India. Due to this, many foreign companies will produce their goods in India and will export them to foreign countries. Now we shall study the export import trade in India. तो जितना आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी को फिक्स करता है अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो आपकी कंट्री डेवलप्ड है और इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो डेवलपिंग है तो यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्री का 2003 थ्री का लिस्ट है कि कोरोना सॉरी कोरिया कितना एक्सपोर्ट करता है 197.6 यूएस डॉलर बिलियन में है और इंपोर्ट 175 बिलियन डॉलर का जी डी पी सिक्स पॉइंट सिक्स हंड्रेड फाइव बिलियन डॉलर और परसेंटेज वाइज सिक्सटी वन पॉइंट सेवन चाइना फोर हंड्रेड थर्टी एट मैक्सिको वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव अब इंडिया का देखिए नेगेटिव फिफ्टी सेवन बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट जो है सेवेंटी फोर बिलियन डॉलर का और जी डी पी ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री है तो इस हिसाब से इंडिया इज़ कॉल्ड डेवलपिंग नेशन अब एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं पहले हम इम्पोर्ट देख लेते हैं व्हेन द आयन प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ नॉट सफिशियंट इंडिया इम्पोर्ट आयरन एंड कॉपर द डिमांड फॉर पेट्रोलियम मिनरल ऑयल एंड ल्युब्रिकन इज मोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर कीपिंग द मशीन्स एक्टिव दीज आर इम्पोर्टेड वी ऑल्सो इम्पोर्ट मशीन्स पर्स जैम स्टोन्स एंड ईडेबल ऑयल्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी इम्पोर्ट दिस थिंग्स फ्रॉम यू एस ए जर्मनी रशिया म्यांमार ईरान एक्सेट्रा तो ये देखिए हमारा इम्पोर्ट चार्ट देखिए कि जेम्स ज्वेलरी सिक्सटीन पॉइंट सेवन परसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेन पॉइंट सिक्स केमिकल नाइन पॉइंट सिक्स मशीनरी एट पॉइंट वन परसेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट अब ये सब जो है वो कॉस्टली प्रोडक्ट है तो इसकी वजह से हमें जो पेमेंट करना है वो ज़्यादा है अब उसके सामने हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं तो देखिए रो मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं थर्टी नाइन परसेंट उसकी वैल्यू कम होगी इंटरमीडिएट फोट्री पर थ्री परसेंट कंज्यूमर गुड्स फोर्टीन परसेंट और कैपिटल गुड्स फोर परसेंट उसके सामने हम इंपोर्ट क्या करते हैं ये दोनों टेबल साथ में तो रो मटेरियल इंपोर्ट करते हैं यानी बाहर से मंगवाते हैं फोटी फोर परसेंट सबसे ज़्यादा इंट, इंटरमीडिएट गुड ट्वेंटी फोर परसेंट कंज्यूमर गुड थर्टी वन परसेंट और कैपिटल गुड वन परसेंट तो जहाँ पे आ, सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है जैसे इंटरमीडिएट गुड्स है रो मटेरियल्स है फिर कंज्यूमर गुड्स है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अब जब हम ये एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट पॉजिटिव आ जाएगा अब यहाँ पे और एक रिपोर्ट है मेन प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड इन टू थाउजेंड मिनरल ऑयल एसेसरीज ऑर्गेनिक केमिकल्स मशीनरीज तो ये मेटल्स uh, अदर जो है प्रोडक्ट तो ये जो सबसे कॉस्ट प्रोडक्ट है वो हम आ, आ, जो सबसे कॉस्टली जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और जो एक्चुअली में उसके कंपैरिजन में प्राइस कम है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए हमारी बैलेंस शीट जो है वो नेगेटिव में है ओनली अ लिमिटेड पोर्सन ऑफ द प्रोडक्शन इज अलाउड टू बी एक्सपोर्ट सो दैट इट्स प्राइस में नॉट इंक्रीज विथ इन द कंट्री बी इम्पोर्ट रो मटेरियल फ्रॉम फ्यू थिंग्स मैनुफैक्चर सम गुड्स फ्रॉम दैम एंड एक्सपोर्ट दैम इंडियन एक्सपोर्ट इंक्लूड आयन और एंड मिनरल्स इंजीनियरिंग गुड्स सच एस साइकिल फैस स्विइंग मशीन्स कार्स रेलवे कोचिस कॉम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा वी ऑल्सो एक्सपोर्ट केमिकल्स एंड द थिंग्स रिलेटेड टू डैम जैम स्टोन्स हाइड एंड लेदर गुड्स कॉटन टेक्सटाइल फीस एंड इस प्रोडक्ट हैंडी क्राफ्ट टी कॉपी ज्यूट एंड इस प्रोडक्ट्स एंड रेडीमेड क्लोथ्स तो मोस्टली जो हमारा एक्सपोर्ट है वो एग्रो बेस्ड ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग सिचुएशन में है जब हमारा एक्सपोर्ट जो है यानी हम जो दूसरी कंट्री को सेल करते हैं वो मशीन बेस्ड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास पैसे भी ज़्यादा आएंगे और इंडिया बिकम रिचर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यूचर तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पढ़ लिखे साइंटिस्ट या क्या बनते हैं अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं नए आइडियाज़ लाते हैं नया स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड है कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा So this is the thing of this chapter, here some exercises are there, uh, you solve it by yourself, if you are having any doubt, then you can contact me, you ask your question anytime. So I hope that you all understand everything of this chapter, this is the last chapter of geography portion, afterwards I will start to upload economics uh, portion from chapter number 17 to 21. तो अब टेंथ के सिलेबस में आपके चार चैप्टर बाकी है सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन पाँच चैप्टर बाकी हैं दैट आई विल ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन टिल देन स्टे होम स्टे सेव गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच